चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टू में आज टेक्निकल गुरुजी वीडियो में। और अभी मैं सवालों के साथ मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अगला सवाल है गुलशन पाटिल का। ये बोलते हैं, कैन आई यूज मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर इन वन मोबाइल फोन? जी बिल्कुल गुलशन भाई, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं खुद ऐसा करता हूं, मेरे फोन में दो व्हाट्सएप यूज करता हूं और मैं इसकी वीडियो जल्दी बनाऊंगा कैसे आप एक से ज्यादा व्हाट्सएप, दो तीन चार अपने फोन में आप कैसे इनको यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है राहुल गुप्ता का। सर, आप इंडिया से दुबई सेटल कैसे हुए और आपका बिजनेस क्या है? राहुल भाई, सेटल कैसे हुए वो तो मैं बता चुका हूँ कि मेरे भैया के यहाँ पे बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद में हम सब यहाँ पे आए, दुबई में आए। और जो बिजनेस है वो एक्चुअली अलग अलग है। इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है, सिक्योरिटी सिस्टम्स की कंपनी है, उसके अलावा हम डील करते हैं फूड स्टफ में, राइस, शुगर, कैंड जूस में, परफ्यूम में, स्टेशनरी में, एक रेडियो स्टेशन है ऑनलाइन, उसके अलावा बैंक से रिलेटेड जो होती है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वगैरह, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारा जो है वो बिजनेस है। अगला सवाल है रवि उत्कर्ष कुजूर का। ये बोलते हैं, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन इन यूएई? तो जी, यूएई में एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ है, एकदम मजे से रहते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की और काफी एकदम अच्छे से लाइफ चल रही है। अगला सवाल है श्रीमंता खान का। ये पूछते हैं, गुरुजी आप इंडिया कब आते हैं? आपकी शादी हो गई? आपका फैमिली बिजनेस क्या है या आप क्या जॉब करते हैं और आप कभी कोलकाता में आए हैं? तो श्रीमंता भाई, मैं इंडिया में आता रहता हूँ, हर तीन चार महीने पांच महीने मेरा चक्कर जो है वो लगता रहता है इंडिया का, और शादी मेरी नहीं हुई है। फैमिली बिजनेस के बारे में आपको बता चुका हूँ और मैं कोलकाता मैं कभी भी नहीं आया, लेकिन मेरा प्लान है मैं जल्दी ही कोलकाता भी आने वाला हूँ। अगला सवाल है सुनील कदियान का। ये बोलते हैं, हेलो गौरव जी, आई वांट टू नो, कैन आई यूज स्टाइलस विद गैलेक्सी S6 एंड इफ यस व्हिच वन? जी बिल्कुल, आप गैलेक्सी S6 के साथ में या किसी भी आप स्मार्टफोन के साथ में आप स्टाइलस यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टाइलस होगा जो आपको मार्केट में मिलता है सबसे सस्ता। आप कुछ एक स्पेशल वाला स्टाइलस इन फोन के साथ में सिर्फ सैमसंग की नोट सीरीज के अलावा आप किसी के साथ में भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है अभिनव त्यागी का। ये बोलते हैं, आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। तो मैं बता चुका हूं बिजनेस के बारे में कि अलग अलग जो कंपनीज हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट की है, रेडियो स्टेशन है, उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम्स की कंपनी है, उसके अलावा फूड स्टफ का काम है, स्टेशनरी का है, परफ्यूम्स का है और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वगैरह है। तो यही जो है सारा बिजनेस है। अगला सवाल है चंदन महाराणा का। ये बोलते हैं, आप कौन सा जॉब करते हो? तो चंदन भाई, मैं जॉब नहीं करता हूं, मैं बिजनेस में हूं, तो मैं आपको बात बता चुका हूं। अगला सवाल है मेराज अंसारी का। ये बोलते हैं, सर अडोब रीडर एक्स क्या काम करता है? तो जी, अडोब रीडर एक्स जो है वो पीडीएफ फाइल्स जो है उनको रीड करने का काम करता है। आप उनसे पीडीएफ फाइल्स को रीड कर सकते हैं, आप उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, आप उनमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये सारा काम जो है अडोब रीडर करता है। अगला सवाल है स्मित पटेल का। ये बोलते हैं, आपकी स्टूडेंट लाइफ और जो स्टडीज का थोड़ा पार्ट प्लीज बताना। तो स्टूडेंट लाइफ मेरी काफी अच्छी थी। मैंने 10th किया, ISC बोर्ड से 83.6% आए थे मेरे, और 12th में मेरे आए थे 65%, वो मैंने किया था CBSE से, और जो मेरी बीटेक थी वो मैंने किया था राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जो मैंने मास्टर्स की वो मैंने की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिट्स पिलानी से, और काफी अच्छी स्टूडेंट लाइफ थी। मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा रहा हूँ किस्मत से, 10th तक मैं टॉपर था हमेशा, और फिर 11th-12th में नहीं रह पाया, लेकिन बीटेक में और एमए के अंदर भी मैं जो है वो टॉपर था, और काफी अच्छी स्टडी रही और स्टूडेंट लाइफ काफी अच्छी थी, काफी अच्छे दोस्त थे, मैं पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन मैं लिखने में ज्यादा भरोसा नहीं करता था, मुझे लिखना इतना पसंद नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा मतलब रखता था मेरा जो ध्यान था। मुझे याद है शायद मैंने 5th या 6th क्लास के बाद में अपना होमवर्क करना छोड़ दिया था, कोई ना कोई मैं बहाना बनाता था टीचर के सामने कि आज होमवर्क नहीं लेके आ पाया, कल नहीं लेके आ पाया, और वो भी काम चल जाता था क्योंकि मैं फर्स्ट आता था, इसलिए टीचर को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैंने लिखना ज्यादा नहीं किया कभी भी, मैंने बीटेक के अंदर भी कभी नहीं लिखा, मैंने मेरी मास्टर्स के अंदर भी जो लिखाई थी वो मैंने कभी नहीं करी, मैंने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, इसकी वजह से शायद मुझे आज इतना बेनिफिट मिल पा रहा है। अगला सवाल है प्रणभेश सरकार का। ये बोलते हैं, गौरव जी आपका यही सरल और सुंदर पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है, प्लीज आप ऐसे ही बने रहिए, मुझे आपका बर्थ प्लेस, क्वालिफिकेशन और आपका प्रोफेशनल काम, इन तीन चीजों के बारे में जानना है। तो प्रणभेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस तारीफ के लिए। जो मेरा बर्थ प्लेस है वो है अजमेर राजस्थान में। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ME हूँ मैं माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में, और प्रोफेशनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं प्रोफेशनली एक दुबई पुलिस सर्टिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंजीनियर हूँ, उसके अलावा फैमिली बिजनेस भी है जो मैं देखता हूँ, तो यही सब कुछ है। अगला सवाल है सयन चटर्जी का। ये बोलते हैं, गौरव जी आप जो वीडियोस बनाते हो वो एडिट कैसे करते हो, ये टेक्स्ट कैसे लाते हो और वीडियो के ऊपर सब्सक्राइब का जो आइकन है वो कैसे बनाते हो, प्लीज डिटेल से बताइए। तो जी, मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर है एप्पल के डिवाइसेस के लिए, iMovie, मैं उसका यूज करता हूँ, काफी सिंपल है, काफी ईजी है, और जो मैं आप लगाने की बात बोल रहे हैं सब्सक्राइब का आइकन और वो सब, तो उसमें लेयर्स होती है, मैं एक फोटो है वो फोटो को उस जगह पे जाके लगा देता हूँ तो वो काम बन जाता है। मैं एक दिन आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैं वीडियोस का एडिट कैसे करता हूँ। अगला सवाल है रितेश मनानी का। ये बोलते हैं, हेलो टेक्निकल गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल द वीडियोस, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हाउ यू अर्न मनी ऑनलाइन, आई हैव ट्राइड moxie.com एंड कैश पायरेट्स ऐप, प्लीज टेल द व्यूअर्स मोर अबाउट जेन्युइन एप्स और साइट फॉर अर्निंग ऑनलाइन मनी फ्रॉम होम विद लिटिल एफर्ट्स, इफ पॉसिबल मेक वीडियो फॉर इट, थैंक यू। रितेश भाई, मैं बिल्कुल वीडियोस और बनाऊंगा ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा हर एक तरीके की, थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है लेकिन आप जल्दी ही थोड़ा वेट कर लीजिए,
आपको जल्दी ही जो है ऐसी वीडियोस भी आने वाली है। अगला सवाल है प्रियांशु शाह का, ये बोलते हैं सर क्या हम अपने डेस्कटॉप पे एसएसडी का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हाँ तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान, क्योंकि आज की डेट में मेरा कंप्यूटर बहुत ही स्लो हो गया है। तो प्रियांशु भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी हार्ड डिस्क और एसएसडी के कंपैरिजन की, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। आप जरूर अपने डेस्कटॉप में एसएसडी का यूज करें, फायदा इसका यह है कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और नुकसान इसका सिर्फ एक है कि आपकी जो कीमत है वो ज्यादा है एसएसडी की, उसके अलावा कोई भी नुकसान नहीं है, आप आराम से एसएसडी का यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है रोहित सिंह का, ये बोलते हैं आपको काफी अच्छी टेक्निकल नॉलेज है एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी आपका मुझे काफी अच्छा लगता है, वीक में आप एक बार अपना लाइव सेशन रखेंगे तो अच्छा होगा, आपका प्रोफेशन क्या है और आप इंडिया में कहां से बिलोंग करते हैं और दुबई में आप कब से हैं। रोहित जी थैंक यू आपकी तारीफ के लिए, और मैं भी कोशिश करूंगा लाइव स्ट्रीम की, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं जल्दी ही फ्यूचर में आगे जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा, जैसे ही मैं आपको एक बताऊंगा टाइम टेबल, तो मैं लाइव स्ट्रीम भी प्लान करूंगा, हो सकता है हफ्ते में दो बार मैं आपके साथ में लाइव आऊं। और मैंने आपको बता दिया मेरे प्रोफेशन के बारे में, इंडिया में मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, और दुबई में मैं पिछले 4 साल से लगातार हूं, और उससे पहले मैं जाता आता रहता था। अगला सवाल है राहुल यादव का, ये बोलते हैं सर वहां अरब कंट्रीज में रहना कितना मुश्किल है या कितना आसान है और अपने एक्सपीरियंस को बताओ। तो भाई मैं आपके सामने अरब कंट्रीज में आपके सामने बात करता हूँ सिर्फ यूएई की, मैं नहीं तो बात करूंगा सऊदी की, नहीं कतर कुवैत की, नहीं ईरान इराक की, नहीं ओमान वगैरह की। यूएई में लाइफ जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, आपको फील नहीं होता कि आप किसी अरब कंट्री में है, एकदम सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड की दुबई, या यूएई जो है सेफेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द सेफेस्ट, और बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला सवाल है आयुष कौशिक का, सर एक वीडियो में दुबई घुमा दो। आयुष भाई जरूर मैं कोशिश करूंगा दुबई के कुछ व्लॉग्स शूट करने की, और मैं आपसे थोड़ा इंटरेक्ट करूंगा इस बारे में कि आपको क्या पसंद है, और मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में कुछ वीडियोस इस तरह के भी आपके लिए लेके आता रहूं। अगला सवाल है कौस्तव दत्ता का, पहले दो पर्सनल क्वेश्चंस, नंबर 1 आप कौन सी बिजनेस करते हो, नंबर 2 इंडिया में आपका कोई घर है क्या, अगर है तो कौन से सिटी में है, और फिर टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप ऐप सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत वीडियोस बनाए हैं, क्या मोबाइल और पीसी गेम्स के बारे में वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। तो कौस्तव भाई पहला जो सवाल है बिजनेस वो मैं बता चुका हूं, दूसरा सवाल कि इंडिया में घर, जी हां मेरा घर है इंडिया में, और कौन से सिटी में है, तो जयपुर में और अजमेर में जो है वो घर है इंडिया में, और अगला सवाल है कि आप एप्स के बारे में, जो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं मोबाइल और पीसी के बारे में भी नॉलेज दूंगा इन सब वीडियोस की इन फ्यूचर, और पीसी एक्चुअली मैं यूज नहीं करता हूं इसलिए मैं शायद नहीं दे पाता हूं ज्यादा, बट मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं विंडोज के भी आपको कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं। अगला सवाल है अनिल सोफी का, ये बोलते हैं इज दैट गिव अवे रियल, माय डाउट इज यू अनाउंस गिव अवे एंड गिव इट टू योर फ्रेंड्स। तो अनिल सोफी भाई आपने कल की वीडियो देख ली होगी, गिव अवे बिल्कुल 100% रियल है, 1% इसमें कुछ फेक नहीं है, मैंने अनाउंस भी कर दिया है, विनर्स जो है वो आप में से ही कुछ यूजर्स हैं, और मैं उन सभी को जो गिफ्ट्स हैं वो देने वाला हूं। अगला सवाल है आनंद सबले का, ये बोलते हैं आप क्या जॉब करते हैं, टेक्निकल गुरुजी का आइडिया कैसे आया। तो जॉब के बारे में तो मैं बता चुका हूं, और टेक्निकल गुरुजी का आइडिया एक्चुअली कैसे आया कि मैं 2009 से करीब एक्टिवली यूट्यूब देख रहा हूं, और जितने भी बड़े चैनल्स हैं जिनको आप आज देखते हैं जिनके 10 लाख 20 लाख 5 लाख 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी को शुरुआत से देखना मैंने स्टार्ट किया 2009 से करीब ऑलमोस्ट सभी को। तो मेरा तभी से इंटरेस्ट था कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूं या मैं कुछ करूं, लेकिन बस वो सोचता था मैं कभी आगे कुछ कर नहीं पाता था। मैंने शर्मा जी टेक्निकल को देखा, उन्होंने हिंदी में काफी अच्छी वीडियोस बनाई थी, और हिंदी लैंग्वेज को टारगेट किया था, ये काफी यूनिक चीज थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं ऐसा कुछ करता हूं, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करने वाले बहुत बहुत सारे हैं, और उसमें फिर मैं भी उनमें से एक बनकर रह जाऊंगा, तो मुझे लगा कुछ अलग करता हूं, और इसलिए एक ऐसा नाम मैंने चूज किया टेक्निकल गुरुजी, एक थोड़ा देसी सा नाम है ये, ताकि लगे आपको थोड़ा एक हिंदी टच में मिलता है, और ये नाम मैंने चूज किया, मैंने चैनल स्टार्ट किया, शर्मा जी टेक्निकल ने मुझे काफी बूस्ट किया कि हाँ जरूर आप इस चैनल को स्टार्ट करो और सब कुछ अच्छा होगा, या मतलब सब अच्छा होता है। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला आपकी तरफ से, और आज की डेट में इसको काफी बड़ा होते हुए देखना चाह रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम काफी आगे बढ़ेंगे और हम काफी आगे इसी तरीके से प्रोग्रेस भी करते रहेंगे। अगला सवाल है मोहम्मद तला का, आपकी जॉब और रोजगार कैसा है। तो मोहम्मद भाई मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं, आपने सुन लिया होगा इसका जवाब। रोहित पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि आपकी मैरिज हो गई है, अगर हाँ तो कितने बच्चे हैं, और अगर नहीं तो गर्लफ्रेंड कितनी है। रोहित भाई मेरी नहीं तो मैरिज हुई है, तो मैरिज नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वरना आपको पता है कि इतना टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। अगला सवाल है सुशेंद शर्मा का, ये बोलते हैं गुरुजी इन वीडियोस के अलावा आपका क्या प्रोफेशन है, आई मीन आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर यूट्यूब चैनल ही आपका फुल टाइम प्रोफेशन है। सुशेंद भाई यूट्यूब जो है वो सिर्फ मेरी एक हॉबी है, मैं अपना जो कुछ टाइम है वो यूट्यूब में निकालता हूँ जो मेरा फ्री टाइम होता है, उसके अलावा जो फुल टाइम है वो बिजनेस है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही इस बारे में डिटेल्स में। अगला सवाल है सौरभ कांत शुक्ला का, ये बोलते हैं सर क्या आप दुबई में कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हो, आपका डेली रूटीन क्या होता है, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन है, आप पहले ऐसे यूट्यूबर है जिससे मुझे मिलने का इतना मन हुआ, आई होप कि मैं अपनी लाइफ में कभी आपसे मिल पाऊं। सौरभ कांत भाई मैं दुबई में फैमिली बिजनेस है, मैं उसके अंदर जो है अपना काम करता हूं, और रूटीन है मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठ के मैं सोचता हूं कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊंगा या किस बारे में वीडियो बनानी चाहिए, मैं अपना कैमरा लगाता हूं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं, वीडियो बन जाती है, करीब आधा घंटा लगता है मेरे को वीडियो बनाने में, आधा घंटा भी नहीं मतलब डिपेंड करता है वीडियो पे हालांकि, लेकिन 20 से 25 मिनट में वीडियो बन जाती है। मैं निकल जाता हूं ऑफिस के लिए, जब मैं जा रहा हूं
हूँ गाड़ी में, तो अपनी वीडियोस को मैं एडिट करता हूँ गाड़ी में ही। जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ तो ऑफिस पहुंच के मैं वीडियो को लगा देता हूँ अपलोड पे यूट्यूब पे, तो आपको जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको इंडियन टाइम करीबी कभी 12:30 कभी 11 कभी 12 बजे आपको जो वीडियोस है वो मिल जाती हैं। और बीच बीच में मैं जब निकलता रहता हूँ तो आपके कमेंट्स का जवाब देता रहता हूँ, कभी मैं निकलता हूँ जब थोड़ा फ्री होता हूँ तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता रहता हूँ। और बिल्कुल आप कभी भी दुबई आए या मैं कभी भी अगर इंडिया आता हूँ तो हम जरूर मिलेंगे और जो आपका मन है वो जरूर हम पूरा करेंगे। अगला सवाल है आकाश गुप्ता का, ये बोलते हैं प्लीज टेल मी हाउ डू यूट्यूबर्स अर्न मनी, आई चेक्ड यूट्यूब बट देयर वाजंट एनीथिंग क्लियर। आकाश भाई, यूट्यूबर्स जो मनी कमाते हैं वो एड से कमाते हैं, जो उनकी वीडियोस पे एड्स आते हैं उससे। तो जो एड्स है उनकी रेट्स अलग अलग होती है, उनको कभी कभी 1000 जिन पे एड आते हैं जो व्यूज होते हैं उन पे कभी कभी $1 मिलता है, कभी 2 मिलता है, जो बड़े होते हैं उनको 10-10, 20-20 भी मिलता है। और गूगल एडसेंस जो है इसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, यूट्यूब 45% पैसा अपने पास रख लेता है और 55% पैसा आपको दे देता है। अगला सवाल है सुशांत नाथ का, ये बोलते हैं व्हाट इज योर फुल टाइम जॉब, तो मैं आपको बता चुका हूँ फुल टाइम जॉब यूट्यूब मेरी हॉबी और फुल टाइम जॉब मेरा बिजनेस। अगला सवाल अक्षय कुमार मिर्धा का, ये बोलते हैं गुरुजी आप दुबई में क्या कर रहे हैं। तो अक्षय मैं बता चुका हूँ दुबई में मैं फैमिली बिजनेस है मैं वो करता हूँ, यूट्यूब मेरा एक पार्ट टाइम है और प्रोफेशनली मैं दुबई पुलिस सर्टिफाइड एक सिक्योरिटी सिस्टम्स इंजीनियर हूँ। अगला सवाल है प्रकाश का, आप इंडिया में कहां से बिलोंग करते हो। प्रकाश भाई मैं इंडिया में बता चुका हूँ कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अगर आपको ओरिजिन बताऊंगा तो वो है झुंझुनू, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के पास में बिल्कुल। और वैसे मैं पला बढ़ा सब मेरा अजमेर में हुआ है, मैं अजमेर में पैदा हुआ, अजमेर में मैंने 10th क्लास की, उसके बाद मैं बीकानेर गया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद मैं अभी दुबई आ गया हूं। अगला सवाल है सागर खरे का, ये बोलते हैं हेलो गौरव जी आप दुबई कब और कैसे आए और आप परमानेंट शिफ्ट हुए हैं और आप कहां से हैं। तो मैं बता चुका हूं कि मैं कैसे आया, कब आया, तो मैं आया था 4 साल पहले परमानेंटली, उससे पहले मैं जाता आता रहता था बीच में कभी 2 महीने के लिए कभी 1 महीने के लिए, और परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, पूरा परिवार पूरा घर सब कुछ यहीं पे है दुबई में, और कहां से है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल है शोविक गुहा का, ये बोलते हैं प्लीज एक्सप्लेन मोबाइल प्रोसेसर इन डिटेल, व्हाट इज 1.5 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1.2 गीगाहर्ट्ज़। तो शोविक भाई आपने मेरी मोबाइल प्रोसेसर्स वाली वीडियो शायद नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने डिटेल में आपको बताया है कि ये क्या होता है गीगाहर्ट्ज़, क्या कोर्स होती है वगैरह वगैरह, ये मैंने सबका सब आपको उस वीडियो में बताया है। अगला सवाल है रोशन परमार का, ये बोलते हैं कि आप कौन कौन से फोन यूज करते हो, एंड्रॉइड और iOS में आप किसे चूज करते हो, आप क्या काम करते हो और आप वीडियोस के लिए टाइम कैसे निकालते हो। तो मैं पर्सनली अभी यूज करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 5, इसके अलावा मेरे पास में सेकेंडरी बहुत सारे फोन है जैसे कि ब्लैकबेरी पासपोर्ट है, iPhone 5s है, सैमसंग नोट 3 है वगैरह वगैरह। और एंड्रॉइड आईफोन में से मैं एक्चुअली चूज करूंगा एंड्रॉइड को, लेकिन कुछ बातें आईफोन की ऐसी मतलब बहुत अच्छी है जो मुझे काफी पसंद आती है, लेकिन ओवरऑल मैं उसको एकदम अपना प्राइमरी फोन नहीं बना सकता क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे एंड्रॉइड में एकदम इजीली मिल जाती हैं, तो इसलिए मैं एंड्रॉइड को चूज करता हूं, लेकिन मैं दोनों का ही फैन हूं, मुझे दोनों ही काफी पसंद हैं। और क्या काम करता हूं मैं आपको बता चुका हूं, और वीडियोस के लिए टाइम जो है वो भी बता चुका हूं कि मैं सुबह उठता हूं टाइम निकालता हूं थोड़ा बहुत वीडियोस बनाने के लिए, उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता हूं, दिन दिन में आपके लिए कभी कभी जो है मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करता रहता हूं। अगला सवाल है मैन पोंग का, ये पूछते हैं चलिए शुरू करते हैं टाइम, आप हंसते क्यों हो, चलिए शुरू करते हैं सो यूनिक एंड वियर्ड, क्या आपको वियर्ड नहीं लगता। जी बिल्कुल मुझे वियर्ड नहीं लगता और हंसता इसलिए हूं क्योंकि एक थोड़ा हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए, हमको कभी कभी हंसना चाहिए, कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए, और वो अच्छी बात है कि आप सबको पसंद आता है, आपको हो सकता है वियर्ड लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, और मुझे काफी अच्छा लगता है वो कि एक मैं टॉपिक समझा रहा हूं उससे पहले अगर मैं एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकूं हमारे बीच में, थोड़ा मैं माहौल को एकदम अच्छा बना सकूं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, और बस ऐसा ही है। अगला सवाल है हरतेज सिंह का, गुरुजी तुसी जट सिख हो, आप ते जट कौन सी है। नहीं भाई मैं जट सिख नहीं हूं, मैं जाट हूं, मैं चौधरी हूं, और बस यही है। अगला सवाल है नीलेश कलवर का, ये पूछते हैं नंबर 1 व्हाट गॉट यू इनटू यूट्यूब, नंबर 2 व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, नंबर 3 डू यू स्टे इन दुबई विद योर फैमिली, नंबर 4 डू यू वर्क अलोन इन योर चैनल, आई मीन समबडी हेल्प्स यू व्हाट। तो नीलेश भाई यूट्यूब की जो शुरुआत है मैं आपको बता चुका हूँ शर्मा जी टेक्निकल, उनसे इंस्पिरेशन मिली। काफी टाइम से मेरा प्लान था 2-3 साल से कि 4 साल से कि मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ अपना एक, मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा ये सब करूंगा, लेकिन शुरुआत जो हुई इंस्पिरेशन जो मिली वो सब था शर्मा जी टेक्निकल। जो काम है वो आपको बता चुका हूँ कि मैं फैमिली बिजनेस जो है मैं वो संभालता हूँ, क्या क्या चीजों का बिजनेस है मैं वो देखता हूँ। डू यू स्टे इन दुबई विद द फैमिली, जी हाँ बिल्कुल घर परिवार सब कुछ दुबई में ही है। अगला सवाल डू यू वर्क अलोन, जी बिल्कुल मैं अकेला काम करता हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही सारा जो है काम वीडियोस का वो कमेंट या हो या व्हाट्सएप हो फेसबुक हो सब कुछ मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। अगला सवाल है मोहित कुमार का, ये बोलते हैं गुरुजी आपका मनपसंद फूड कौन सा है। तो मोहित भाई जो मेरा मनपसंद फूड है वो है ट्रेडिशनल राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, अगर आपने सुना हो या अगर आपको पता हो तो मुझे काफी पसंद है। उसके अलावा मुझे आलू के पराठे काफी अच्छे लगते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कुजीन की बात करें तो मुझे इटालियन और चाइनीज काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों अभी के लिए ये वीडियो को मैं भी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगला पार्ट है मैं वो रिकॉर्डिंग करूंगा, सवाल काफी काफी ज्यादा है और वीडियोस काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए आप जो बाकी सवाल है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप ऐसे बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।